अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए करेले की भुजिया। तो इसके लिए हमें करेले चाहिए होंगे, तकरीबन 1 किलो करेले हैं और 1 पाव से थोड़े ज़्यादा टमाटर है। प्याज चाहिए होगा 1/2 किलो तकरीबन, या 1/2 किलो से थोड़ा कम। बारीक काट देना है, हमने करेलों को बारीक गोल गोल काट देना है या जैसा आप चाहे उससे मर्जी से। फिर हम इसे थोड़े से तेल में फ्राई करने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। फिर तकरीबन 1 या 2 घंटे में होंगे आहिस्ता फ्राई। जब ये गोल्डन होने लगेंगे तो फिर ये समझे रेडी हो गए हैं। दूसरी साइड पे हमने पतीली में प्याज ब्राउन करने के लिए रखना है, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें चेक करते रहना है, उलट पलट करते रहना है ताकि ये जले ना। प्याज भी और करेले भी, इन दोनों को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं आप और एक साथ भी। तो मैंने अलग अलग किए हैं। अभी ऐसा ऐसा कलर चेंज हो रहा है इनका। प्याज भी हमारा थोड़ा गोल्डन की तरफ आ रहा है ऐसा ऐसा। बारीक बारीक टमाटर काट दिए हमने। अभी प्याज हमारा हो गया था ब्राउन, उसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं, मिर्ची हरी डाल दी है और ये नमक मिर्च हल्दी धनिया ज़ीरा गरम मसाला चाट मसाला सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं हमारे पास। ये हम डाल देंगे इसके अंदर, टमाटरों के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इस पर करेले भी ऐड कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट दम पे लगाएंगे ताकि मसाला और करेले ये जाम हो जाए। तो जैसे ही हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसे मसाले में ऐड कर देंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे में उसको अच्छे से भूनेंगे और उसमें करेले ऐड कर देंगे। करेले भी ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं हमारे, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही रखती हूँ करेलों को। इसमें हमने मसाला डाल दिया है। अब इसे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे करेले और मसाले को। उसके बाद फिर हम इसे 10 से 15 मिनट दम पे लगा देंगे और फिर इसे हम डिश आउट कर देंगे। मज़ेदार करेले की भुजिया रेडी है, रोटी के साथ खाएं इसे। अचार लेना, अचार लेना, मगर अचार के बहुत मज़े के बनते हैं ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।